सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज अल्लाह का शुक्र है, हम तो शॉर्ट एंड की बात करेंगे। चैलेंज है हमारा और पूरी दुनिया के शॉर्ट एंड के तमाम टीचर्स, तमाम इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे मिलकर शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम को कम्पीट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब स्किल्स में गैप आता है तो फिर यही होता है। और शॉर्ट हैंड में ये पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी क्यों जरूरी है कि शॉर्ट हैंड का जो एग्रीगेट है वो 95% है। दुनिया का वाहद नॉलेज, वाहद स्किल है शॉर्ट हैंड, जिसमें ओनली टू ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप फेल है या आप पास है। और पास का मतलब 100% है, 99.99 100%। थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है कि आप 40% पे, 80% पे, नहीं, 100% आप मार्क्स ले रहे हैं अगर आप पास हैं तो, नो थर्ड ऑप्शन। तो इतने यूनिक स्किल के लिए आपको रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर किया करें, दो दो तीन तीन चार चार लाइनें, ताकि वो मिस्टेक आपकी आइंदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक्यूरेसी और एग्रीगेट 100% है। आप यूं समझें कि पूरी दुनिया में आपको कहा जाता है कि पूरी दुनिया में आपके 100 एनिमीज हैं। आप हर बंदे से डरेंगे कि शायद ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि वो जो 100 है वो ये वाले हैं, ये 100 है, आपको जो डर खौफ कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, आप सिर्फ उनसे अवॉइड करेंगे। और आपको टारगेट दिया जाए, टारगेट क्या देना है, वो तो आपका टारगेट है, एक एक को पकड़ो कि 100 से तो आप जो है ना वो नहीं कर सकेंगे, फाइट करना मुश्किल है, तो जहां एक मिल जाए उसको पकड़ लें, उसकी खूब धुलाई करें कि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाए, कि पूरी दुनिया में सारे आपके फ्रेंड्स हैं, 100 आपके एनिमीज हैं। एक काबू आ गया, जब आप टेस्ट देते हैं, मिस्टेक्स मार्क होती हैं, आइडेंटिफाई होती हैं, तो वो उसको पकड़ा गया ना, वो उसके आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इतनी प्रैक्टिस करें कि वो फिर आपका एनिमी नहीं होगा, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बाकी 99 रहे, एक एक, दो दो, तीन तीन, जैसे जैसे आपको मिलते जाए आप उसको पकड़ के उसकी खूब धुलाई करें, तफ्तीश करें, प्रैक्टिस करके, ताकि आइंदा वो मिस्टेक ना हो। इसी तरह मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। जहां पे आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, अब डिक्शनरी पकड़ के आप स्पेलिंग याद नहीं कर सकते, डिक्शनरी पकड़ के आप वर्ड्स के जो मीनिंग है वो आप याद नहीं कर सकते। तो जहां पे कोई एक दो जाहिर है, दो चार वर्ड्स डेली ऐसे होंगे, ज्यादा 10 होंगे, 20 होंगे डेली बेसिस पे, मैं वो भी एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, बेसिक लेवल में इतना नहीं होता। तो आप जहां पे स्पेलिंग्स आपके वीक है उनको साथ साथ तैयार करते जाएं। ये पूरी बुक पकड़ के दिन रात दो चार दिन में, हफ्ते 10 दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाता है। तो जहां स्पेलिंग इशू आ रहा है उसको आप करें, और जहां कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर आउटलाइन को लिखनी मुश्किल हो रही है आपके लिए, या आप लिखते हैं एक्यूरेसी ठीक नहीं होती स्पीड की वजह से, तो आप पढ़ नहीं सकते, या कुछ और वर्ड आप पढ़ रहे हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करके उन मिस्टेक्स को दूर करें। तो शॉर्ट हैंड कमाल की चीज है। मुझे अगर आप यकीन जानो कि मैं कहूंगा आप सबकी कसम, अगर मुझे कहा जाए कि आप, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, मुझे कहा जाए, और आप शाहीन कॉलेज में इन बच्चों को गाइड करना छोड़ दें, कसम खुदा की कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा।